Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wa salam alayka ya Sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa sahabika ya Habiballah. Jaise ki aaj hum aapko batayenge ki how to fill data of Barwaqt ya how to get loan from Barwaqt app. Barwaqt loan se Barwaqt personal loans app se kis tarah loan liya jata hai aur uska form aur uski detail kis tarah fill hoti hai. How to complete detail fill in the Barwaqt app. So, uske hawale se subscribe our channel, Technical Karimbux YouTube channel, online earning, cryptocurrency, insurance, Facebook and WhatsApp. Our video timing is 7 a.m. and 5 p.m. Online study, online earning, online course and our YouTube online. Only YouTube tech, technology update video. आपको पहले इसको इंस्टॉल करना होगा. इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ऐसा ही इंटरफेस होगा. आप जैसे इसके ओपन व्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपसे अपना मोबाइल नंबर मांगेगा. यहाँ से आप इसको मोबाइल नंबर लगाकर और नेक्स्ट करना है. जैसे ही आप मोबाइल नंबर लगाएंगे तो ये नेक्स्ट का बटन ग्रीन हो जाएगा. तो उस ग्रीन के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये परमिशन मांगेगा कि जो भी इसकी जो भी पॉलिसीज हैं बरवक्त ऐप की वो आपको ये एग्री करेंगे तो ये आगे चलेगा. अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो आप नहीं चलेगा. इसमें आपकी लोकेशंस डेटा वो सारी चीज़ें आपसे ये लेता है और आप उसको प्रोवाइड करेंगे और जो भी ये कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो आप उसके लिए एग्री हैं तो आप ये एग्री करेंगे तो आगे चलेगा. बहुत सारी लंबी पॉलिसी है इसकी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट लिस्ट में बता रहा हूँ कि जो भी इसकी चीज़ें हों यस करेगा आप करेंगे. लोन के बरवक्त अगर आप नहीं देंगे तो इसको पूरा हक होगा कि वो अपनी कानूनी कार्रवाई करे और आपका सीएनआईसी ब्लॉक करे या आपके ऊपर कुछ भी कार्रवाई करे. इसमें सारी चीज़ें मेंशन हैं. अगर आप एग्री हैं तो ये आगे चलेगा, नहीं यहाँ तो ये बंद हो जाएगा. उसके बाद अगर एग्री करेंगे तो फिर ऐसा ही इंटरफेस आएगा. ये इसकी ग्रीन लकीर है, इसको आगे पीछे करेंगे. जितना आपको लोन दरकार है तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. 10,000 तक इसकी है पहली, जो आपकी 15,000 10,000. तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो उसके बाद जैसे इसको मैंने फुल कर दिया है तो ये 10,000 है. ये 65 डेज के लिए है, ड्यूरेशन है. उसके बाद आप इसको ओके करेंगे, सी मोर करेंगे. सी मोर के बाद ये इंटरफेस होगा आपके पास कि आपको ये चीज़ें फिल करनी है. पहले आपको अपना नेम लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उसके बाद एडुकेशन लिखनी है और उसके बाद आपने अपना मैरिटल स्टेटस, मतलब मैरिड है कि शादीशुदा है, तो वो आपने फिल करना है इसको. और उसके बाद आप जैसे ये फिल करेंगे तो ये आपके पास रिलेशंस दो नंबर आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा. एक तो एक दो मतलब इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर 1 और इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर 2 मांगेगा. तो ये आप किसी रिश्तेदार का नंबर दे सकते हैं, भाई का या किसी का भी आप नंबर दे सकते हैं. उसका रिलेशनशिप भी आप लिख सकते हैं और नंबर भी लिख सकते हैं. जब ये दोनों ही आप लिखेंगे तो इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट के ऊपर ये आपसे एनआईसी की सामने वाली जो फ्रंट साइज है ये मांगेगा. क्योंकि मैंने यहाँ तक फिल किए, आगे मुझे लोन लेना नहीं है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ तक ब्लॉक किया है क्योंकि मुझे लोन नहीं लेना. लेकिन ये तरीक़ेकार ये है. इसके बाद एनआईसी के बाद आपका जीस डेटा ओके हो जाता है.